आज की हमारी ये वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनको आप आराम से अपने बेड पर लेते लेते ही कर सकते हैं और आसानी से आप अपने पूरे शरीर से चर्बी को कम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसे में हैवी एक्सरसाइज करना मुश्किल हो रहा है और बाहर जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे में आप आराम से अपनी इन एक्सरसाइज को बेड पर लेटे लेटे कर सकते हैं। थोड़ा सा फैन चालू कर लीजिए, अपने बेड पर लेट जाइए और आराम से इन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको कुछ 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगी। जरूरी नहीं है कि आप इन सारी एक्सरसाइज को करें, आप अपने हिसाब से 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगती है, जो आपको सरल लगती है। वैसे फ्रेंड्स ये सारी की सारी एक्सरसाइज ही बिल्कुल आसान है। अब हमें बेड पर लेटे लेटे एक्सरसाइज करना है तो इनसे आसान एक्सरसाइज तो आपको कोई भी मिल नहीं सकती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें किस लिए करना है, सीधा सा देख लेते हैं हम इन आसान आसान से एक्सरसाइज को। तो इसके लिए क्या है, आपको बेड पर लेट जाना है। मैं आपको मैट पर बता रही हूँ लेकिन आप अपने बेड पर कर लीजिए, ठीक है। मैट पर भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेट जाते हैं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आराम से छोड़ दीजिए, पैड पर रख सकते हैं या फिर इस तरीके से अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। और बस सिंपल सा हमें क्या करना है, एक पैर को उठाना है और साइड की तरफ मोड़ना है, फिर वापस सीधा करेंगे, फिर इसी तरीके से दूसरे पैर को हमें साइड से मोड़ना है। और जब हम अपने पैर को इस तरीके साइड से मोड़ते हैं तो आप देखिए आपका थाइस, आपका हिप्स और आपका ये लोअर बेली बहुत अच्छे से टारगेट होता है। तो चलिए इसको हम अब भी दोनों तरफ से 10-10 बार कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जिन लोगों की लोअर बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आपको करना है इसको पूरा 30 बार, 15-15 बार दोनों पैर से हो पा रहा हो, और इसके आप अपने हिसाब से 1, 2, 3 सेट लगा सकते हैं जितना आपके पास टाइम है। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और अपने पैरों के बीच में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, यानी कि पास पास हमें अपने पैरों को नहीं चिपकाना है, थोड़ा सा दूरी पर रखना है। अब बस हमें क्या करना है, हाथों को छोड़ दीजिए, सिंपल सा इस तरीके से साइड में हमें इनको ट्विस्ट करना है, दूसरी तरफ इसी तरीके से साइड में ट्विस्ट करना है। जब आप साइड में इस तरीके से इन पैरों को मोड़ते हैं तो आपके पेट पर, कमर पर, थाइस पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो जिन लोगों को पेट घटाना है, कमर घटाना है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इफेक्टिव है। तो चलिए 10 बार अभी इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1, 2, 3, अगर आपके कमर में दर्द रहता है तो इस एक्सरसाइज से आपको कमर दर्द में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 5, 6, 7, 8, अपनी जो अपर बॉडी है उसको मूव नहीं करना है, उस लोअर बॉडी को ही मूव करना है हमें बस। 8, 9, 10, आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रेचिंग होने वाली है तो आपका फैट भी बर्न होता होगा, आपको फील होगा। ओके, इसको आपको करना है फ्रेंड्स पूरा 20 बार, और 20-20 के आप 2-3 सेट कर सकते हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप एक सेट ही लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने पेट के बल हमें अपने बेड पर लेट जाना है इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को अपने थोड़ी के नीचे लगा लीजिए, इससे आपकी जो ये अपर बॉडी है यहाँ पर खिंचाव होने लगेगा तो आपका जो पेट है वो बहुत तेज़ी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से रख लीजिए, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और सिंपल सा हमें क्या करना है, अपनी हिप से टच करने की कोशिश करना है।
टच नहीं होगा, लेकिन हमें क्या है, कोशिश करना है और यही हमारी एक्सरसाइज है। जब आप टच करने की कोशिश करते हैं तो आपके हिप्स पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, आपके थाइस पर इफेक्ट होगा और आपके पेट पर भी, लोअर बेली पर भी। तो बस आराम आराम से इस तरीके से बेड पर लेते लेते आपको करना है, आपकी अपर बॉडी पर खिंचाव होता रहेगा और आपका फैट रिमूव होता रहेगा। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको इस तरीके से करने में प्रॉब्लम होती है, खिंचाव ज्यादा महसूस हो रहा है, तो सीधा सा अपने गर्दन को रख लीजिए, फिर इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, अपने कंफर्ट के हिसाब से ही आपको फ्रेंड्स एक्सरसाइज करनी है। कभी भी एक्सरसाइज के साथ हमें ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सबसे पहले बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे इस तरीके से। अपने दोनों हाथों को हमें क्या करना है, यहाँ पर पेट पर रख लेना है और सिंपल सा एक पैर को उठाना है, फिर वापस, और फिर दूसरे पैर को उठाना है। और ये एक्सरसाइज आपके पेट को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस अभी हम इसकी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना ऊपर तक आप अपने पैर को ला सकते हैं थोड़ा सा कोशिश करिए। 9, 10 को थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। मैं इसलिए जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छे से शेयर कर पाऊँ। इसको आपको करना है 30 बार, यानी कि 15 बार एक तरफ से और 15 बार दूसरे पैर से हो पा रहा हो, और इसके भी आप 2, 3, 1 सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और है जिसको मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। सीधा सा लेट जाएंगे इस तरीके से, अपने पैर को हमें थोड़ा सा मोड़ के रखना है, अपने पैरों को पहले सबसे पहले ओपन करना है, अपनी थाइस को फिर वापस लाना है, फिर ओपन करना है और वापस लाना है। ये आपके थाइस के फैट के लिए और आपके जो लोअर बेली पर फैट लटक गया है, ये पेट आपका लूज हो गया है, इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये एक्सरसाइज जो वुमन्स हैं उनके लिए बहुत स्पेशल होती है। ये आपके पेट के जो इंटरनल पार्ट हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, उनको मजबूती देती है और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। बस धीरे धीरे करना है, आपको जल्दी जल्दी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई आज की हमारी आसान आसान सी एक्सरसाइज। जितना आपके पास टाइम है, अगर आपके पास 5 मिनट का समय होता है तो आप 5 मिनट करिए, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, 10 मिनट का समय है, तो आप 10 मिनट कर सकते हैं। सेट आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपके पास टाइम है, जैसे कि आपके पास स्टेमिना है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बस हाँ, हमें कोशिश ज़रूर करनी होगी कि थोड़ा सा हम अपना अच्छे से एफर्ट्स डाल पाए, एफर्ट्स मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कर पाए। फिलहाल फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने आप को हमेशा फिट रखें।